गाड़ी न्यूट्रल नहीं होती है, न्यूट्रल होने में बहुत परेशानी होती है और गियर काफ़ी मतलब खड़ी गाड़ी में जब मैं न्यूट्रल करता हूँ तो इस तरह लाते मारनी पड़ती है, ऐसे लाते मारनी पड़ती है न्यूट्रल करने के लिए। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखिए समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी मेरी फर्स्ट गियर है, सेकेंड गियर है, अब इसको जब मैं न्यूट्रल कर रहा होता हूँ तो गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो रही होती है, तो ऐसे इसमें कसकस के काफ़ी मारना पड़ता है, तो काफ़ी कसकस के मारना पड़ता है और गाड़ी फिर भी न्यूट्रल नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका सिंपल मेथड है, गाड़ी को आप अपना बंद कर दें और हल्के से बिल्कुल आगे पीछे करें। ज़रूरी नहीं गाड़ी को आपने खड़ी तो करनी है तो स्टार्ट गाड़ी क्यों न्यूट्रल करनी है, गाड़ी बंद करो और हल्के से बिल्कुल न्यूट्रल कर लीजिए। एक बार मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी आगे बढ़ रही है, अब इससे न्यूट्रल नहीं हो रही है, तो मैंने क्या करना है, गाड़ी को देखो बंद करना है और हल्का सा आगे पुश करना है, बस न्यूट्रल हो जाती है, सिंपल है। ये छोटी छोटी ट्रिक रहती है और आपके बहुत काम की है, डेली यूज़ में आप हर रोज़ ट्राई करते हैं पर कभी आपने ये चीज़ नोट नहीं करी। जब गाड़ी बंद हो जाती है तो अच्छे से न्यूट्रल होती है और स्टार्ट गाड़ी न्यूट्रल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। अगर आपके साथ होता है तो एक बार ट्राई करिए और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सही है, जेन्युइन है या गलत है। अब मैं एक और छोटी सी आपको बात बताता हूँ कुछ ऐसी और बेसिक चीज़ें जो आप डेली यूज़ करते हैं पर उस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो आप हर रोज़ गलती करते हैं, आपकी गाड़ी के जो ब्रेक ख़राब होते हैं उसके पीछे आज एक रीज़न है कि जब मैं गाड़ी को राइड करता हूँ तो जिस टाइम मैं गाड़ी राइड कर रहा था मेरा यहाँ जो ब्रेक पैंडल रहता है, यहाँ नीचे की साइड में हम देखेंगे ब्रेक पैंडल, तो मेरा जो गाड़ी चलाने का स्टाइल रहता है इस तरह रहता है और मैं पैर यहाँ पे ऐसे रख के चलाता हूँ, पर ये बहुत गलत चीज़ है। पैर राइड जिस टाइम हम कर रहे होते हैं हमें पैर को हल्का सा इस तरीके से, मैं आगे दिखाता हूँ, आगे की साइड से हल्का सा गैप दिखेगा इस तरीके से राइड करने का जो सही मेथड है वो ये है। और ऐसे चलाएंगे क्या होता है, हमारे ब्रेक गर्म हो जाते हैं, हालांकि हम उस पर पैर नहीं रख रहे पर हमें महसूस ही नहीं होता कि हम उसके ऊपर पैर रख रहे हैं। इसलिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको यहाँ रखना है। मेथड आपको बताने वाला हूँ यह है स्टैंड, मेन स्टैंड को लगाने में। ज़्यादातर मेरे पे जो रिक्वेस्ट आती है कि यार गाड़ी को स्टैंड लगाने में बहुत दिक्कत आती है और हमसे स्टैंड नहीं लग पाता है, तो हमने साइड स्टैंड लगाया, गाड़ी यूँ खींचते हैं और काफ़ी वजन लगाना पड़ता है, गाड़ी न्यूट्रल नहीं होती है, मतलब मेन स्टैंड पे नहीं लग पाती है और ये बहुत दिक्कत करती है। तो आज मैं आपको सिंपल और बहुत ही ईजी, देखिए आपको गाड़ी बिल्कुल सीधा खड़ा करना है, ठीक है, और स्टैंड के दोनों साइड के पुश करना है और यहाँ नीचे प्रेस करना है, यूँ उठाना है, देखिए इतना इजी लग जाता है। और जब हम दूसरा तरीका दिखा रहे थे उसमें क्या होता है, और जब हमें स्टैंड से उतारना होता है उस टाइम हमें यहाँ पैर लगाना है, हल्का सा आगे को पुश करना है, देखिए इतना इजी। और अभी जो जिस टाइम पे नहीं लगता है मैं दूसरी साइड कैमरे को दूसरी साइड से दिखाता हूँ वहाँ से, और आप समझेंगे कि देखिए क्यों नहीं लगता है यहाँ इस साइड से। अभी देखिए साइड स्टैंड लगा है और मैं मेन स्टैंड लगाता हूँ तो हमारा सिर्फ एक ही स्टैंड का एक हिस्सा लगता है जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से स्टैंड पूरी तरीके से पूरी बैलेंस नहीं होता। अगर हम दोनों को बैलेंस करें और बिल्कुल प्रेस करें देखिए बहुत इजी हो जाता है। तो यही तीन स्टेप थे, मेरे को लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए और आप लोगों के काम के होंगे। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और किसी को लगता है कि इस बंदे को नहीं आता है उसको शेयर करना कि देख भैया वीडियो को देख और समझ, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इंतज़ार करूँगा। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।